की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश कुल गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खंगोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची जबकि सेनापति कुंवर मानसिंह जी जयपुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासू कर रहे थे। भीरू राणा जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। कुंवर मानसिंह जी ने अपना बचाव किया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया।
महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहाँ पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मानसिंह जी थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया।